अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, आज स्टॉक किस कंपनी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी गिर चुका है स्टॉक, तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स पे जुड़े हुए हैं, तो संभवतः अगर उन्हें पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड ये बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी है। मिसलेनियस मतलब डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य पदार्थ, खाने पीने का तेल, दालें, मसाला, कॉटन, एनिमल फीड, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है अलग अलग देशों में। तो अभी जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रेड वॉर जिस वजह से चल रहा है वर्ल्ड वाइड, व्यापारिक रिश्ते बहुत सारे अच्छे नहीं, जैसे कि अमेरिका चाइना हो गया, ईरान अमेरिका हो गया, इस तरीके से कई कंट्रीज़ में जब कुछ बंदिशें लगती हैं, कुछ पाबंदियां लगती हैं, तो इन कंपनियों पे प्रभाव पड़ता है। और प्रॉपर तरीके से इसी वजह से हम इनके नेट सेल्स भी देखेंगे, अगर नेट सेल्स में डाउन साइड है तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट में भी होगा और मार्जिन में भी इनको नुकसान उठाना होगा। तो ये देखते हुए हम देखेंगे कि पहले स्टॉक का प्राइस क्या था, अभी ये स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट अभी इसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी वो भी हम बताएंगे। तो 19 जुलाई 2019 यानी कल, आज शनिवार, मार्केट बंद है, 15 रुपये 20 पैसे के भाव पे क्लोज़ हुआ। और कल ही ये मुझे लगता है कि लो बनाया था 15 रुपये का। काफ़ी पूरे बाज़ार में गिरावट रही है, सेंसेक्स भी 560 पॉइंट टूट चुका है और निफ्टी में भी काफ़ी 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही। और हाई जो बनाया था सकुमा ने ये 42 और लो बन चुका है इसका 15 रुपये का, तो काफ़ी गिरावट है। और यहाँ पे अगर हम एक साल का चार्ट देखते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे, तो देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्प्लिट हुआ है। तो जो फेस वैल्यू 10 की थी वो स्प्लिट होके 1 की हो गई, यानी कि उस शेयर प्राइस के 10 टुकड़े हो गए। तो जिसके पास एक शेयर था, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो उसके पास 10 शेयर आ गए। सब कुछ वैसा ही रहता है, अर्निंग पर शेयर वो 10 भागों में बट जाता है। तो यहाँ पे जब आप समझिए कि हाई जो बनाया था तो 420, आप समझिए अगर टूटा नहीं होता तो आज भी 150 रुपये के हिसाब से, जिस हिसाब से 10 टुकड़े हुए हैं, तो आज का प्राइस जो होता 150 रुपया। स्प्लिट या जो कंपनियां जिस प्रकार से अपने शेयर्स के टुकड़े कर देती हैं, उनका ये होता है कि बड़ी प्राइस के जो स्टॉक्स होते हैं, जनरली जो रिटेल निवेशक होते हैं वो रुचि कम दिखाते हैं उनको ख़रीदने में, तो इसी वजह से उसके टुकड़े करके छोटी प्राइस का कर दिया जाता है, जबकि सब कुछ सेम रहता है कंपनी का। तो आकर्षण होता है और लोग ख़रीदते हैं क्योंकि छोटी प्राइस का समझ के, इस प्रकार से कंपनियों की जो है सोच है। चलिए हम आगे इसके कुछ फंडामेंटल देखते हैं। देखिए मार्केट कैपिटल जो है 324 करोड़ का है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, और पी रेशियो 9 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 29 है। तो उस प्रकार से जो जो इसकी कंपटीशन की जो पीयर कंपनियां हैं उनसे बहुत सस्ते पे है। बुक वैल्यू 9.56 की, प्राइस टू बुक है 1.59 की, अर्निंग पर शेयर रह गया 1.868 का, और फेस वैल्यू 1 की मैंने बताया ही है। डिलीवरी है इसकी 51% के आसपास की, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है डेफिनेटली। तो हम इसके क्वार्टर के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट पे अगर हम कर्ज़ा देखते हैं तो कर्ज़ा बहुत बड़ा नहीं है, जिस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट आता था, अगर आप क्वार्टरली देखिए तो इसका इंटरेस्ट आराम से भर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ा कर्ज़ा नहीं कि कर्ज़े में डूबी हुई कंपनी, लेकिन अभी हम इसकी वो भी देखेंगे कि कहीं स्टॉक्स गिर भी तो नहीं रखे, आगे देखेंगे। देखिए दिसंबर 18 से मार्च 19 में हम अगर देखते हैं तो जहाँ नेट सेल्स थी दिसंबर 18 में 553 करोड़ की, वहीं मार्च 19 में हो गई नेट सेल्स 419 करोड़ की, यानी कि ऑब्वियसली इनके नेट सेल्स पे प्रभाव पड़ा है। और इसी प्रकार से अगर हम सब कुछ ले देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, जहाँ दिसंबर 18 में थी 11 करोड़ के आसपास की, वहीं मार्च 19 में हो गई 6 करोड़ 35 लाख की। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट में सीधे आधा हो गया है, है। और अगर हम ईयरली देखते हैं तो मार्च 18 से मार्च 19 पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स में अगेन, जहां पिछले साल 467 की थी, वहीं मार्च 19 में हो गई 419 की। तो नेट सेल्स में ऑब्वियसली इनके 10.25% की डाउनसाइड है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 75% की अपसाइड है। नेट प्रॉफिट में भी यहां पे जहां मार्च 18 में थी 5 करोड़ 92 लाख की, वहीं हो गई मार्च 19 में 6 करोड़ 35 लाख की। तो 7.35
फसल की जो है अपसाइड है, लेकिन मार्जिन में भी यहाँ 1.26% की अपसाइड है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन नेट सेल्स यहाँ पे जो है डाउन साइड है। तो ऑब्वियसली इनका जो बिज़नेस है वो प्रभावित हो रहा है, इनकी नेट सेल्स नहीं बढ़, इनका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं। तो जिस प्रकार जिस चीज़ की शंका थी कि इन्होंने जिनकी होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास 57% के आसपास है, और यहाँ पे 14% के आसपास इन्होंने गिरवी रखी हुई है। तो ये थोड़ी सी इनके लिए, हमारे लोगों के लिए समझने के लिए भी बात है कि गिरवी क्यों रखी है। तो चलिए 14% तो हम समझ सकते हैं, अगर होल्डिंग अगर इनकी प्रमोटर्स की अगर 50% के ऊपर होती थोड़ा सा हम कंपनी से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल समझते हैं कि व्यापार में थोड़ा सा अपने शेयर गिरवी रख के पैसे वैसे उठाए होंगे, और FIIs भी हैं एक, म्यूचुअल फंड ज़ीरो हैं, और इंडिविजुअल 21% के आसपास हैं। इन्होंने 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से पिछले साल डिविडेंड पे किया था, और ट्रेडिंग से इनका 99% की जो है पूरा रेवेन्यू है। और ये कंपनी लिस्ट कब हुई थी वो भी हम देख लेते हैं। इसकी लिस्टिंग थी 8 मार्च 2006 की लिस्टिंग है। अब कंपनी में रिटर्न किस प्रकार के रह गए हैं इतनी गिरावट आने के बाद वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 10 सालों में अभी भी 1600%, इतने गिरने के बावजूद भी 1600% के आसपास के रिटर्न, ज़बरदस्त एक मल्टीबैगर था ये स्टॉक। 5 सालों में अभी 550% के आसपास के रिटर्न, 4 सालों में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको भी 387% के रिटर्न है पॉजिटिव, 3 साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 125% के शानदार रिटर्न, जिन्होंने 2 साल पहले लगाए थे उनको भी 63% के आसपास के रिटर्न दिख रहे हैं पॉजिटिव। लेकिन 1 साल से लगातार गिरावट है। 1 साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए उनको 17% का लॉस है, ईयर टिल डेट यानी 54% का लॉस है, जनवरी से 6 मंथ्स में 61% का लॉस है, 3 महीने पहले जिन्होंने लगाया उनको 50% पैसा रह गया है, 1 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाया उनको 20% का, और 1 वीक में 13%, 1 डे में कल 1.62% की डाउन साइड है। तो पिछले 1 साल से लगातार इसमें काफ़ी गिरावट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो समस्या है अगर सॉल्व हो जाती है और इन कंपनियों की बाहर आती है, तो अगेन ये इतनी स्पीड में भागेंगी कि अगर, क्योंकि इसमें अभी कोई वैसी न्यूज़ नहीं है मैनेजमेंट को लेके, या कुछ ऐसा हो गया हो कंपनी में, या बहुत बड़ा कर्जा ले लिया हो, या बहुत बुरे रिजल्ट्स आए हो, ईयर ऑन ईयर अच्छे ही लग रहे हैं रिजल्ट्स, तो नेट सेल्स में थोड़ी सी दोनों साइड में डाउन साइड तो हम समझ ही सकते हैं कि व्यापारिक जो है अभी काफ़ी युद्ध स्तर पर युद्ध चल रहा है। तो आने वाले समय में हमें संभावना है एक छोटी प्राइस का। जो लोग नए हैं मार्केट में, जो पहली दफ़ा अगर जिनके पास स्टॉक्स ना हो इस कंपनी के, वो चाहें तो अभी बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बाइंग का वही कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं उनमें कभी पूरा पैसा ना डालें। मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के बारे में हम में से किसी को नहीं पता कि कितने नीचे लेवल तक जाने वाला है, या कितने दिन और ट्रेड वॉर चलता रहेगा जिसमें एक्सपोर्ट की कंपनियों को प्रभावित करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और बजट के बाद से तो पूरा मार्केट ही मतलब नाखुश है, उस वजह से देखिए सारे सेक्टर्स में डाउन साइड है। तो इस वजह से जो नए हैं वो चाहे तो कर सकते हैं, जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो अब उनकी क्वांटिटी तो बनी हुई है, और ये मुझे लगता है जब अच्छे दिन आएंगे तो ये बाउंस बैक भी करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो चाहें तो अगर SIP के थ्रू कुछ कुछ पैसे और इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें ख़रीदारी की जा सकती ताकि एवरेज हो सके, लंबे समय के लिए ठीक रहेगा। और बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी ऐसे सिचुएशन में क्या कह सकते हैं जबकि पूरा मार्केट ही नीचे लगातार जा रहा है। तो एक बढ़िया कंपनी मुझे लग रही है, और मल्टीबैगर थी और आने वाले समय में भी मल्टीबैगर हो सकती है, भरोसा रखें। और अभी तक इसमें कोई वैसी बहुत बुरी न्यूज़ नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, या आप में से किसी को भी अगर मालूम पड़ता तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप नज़र बनाए हुए हैं तो लिखिएगा ताकि अलर्ट कर सके, क्योंकि शेयर मार्केट हज़ारों कंपनियां होती हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता किस में कौन से सूचना आ जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।